हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी A/19 में बहुत बड़ा अपडेट है और कह सकते हैं अपडेट के नाम पे WR का फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि फर्स्ट DB में ही इनका दो पार्ट हुआ था, फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड और फोर्थ के बाद अब क्या रहा कंडीशन। हमने बोला था 1240 सीटें आपको वेटिंग से ज़रूर मिलेगी, उससे क्रॉस कर चुका है। अच्छा है कैंडिडेट के लिए, लेकिन UR और EWS के लिए यहाँ कल्याणकारी RRC रहा है, तो देखेंगे कैसे। बाकी RRC के कैंडिडेट भी EWS में लेना चाहते हैं कि ऐसा ही कटअप मेरा भी हो, क्योंकि बहुत जगह कैंडिडेट EWS का पहले DB में जाने के बाद भी, जैसे आपका सिकंदराबाद में देखिएगा और कई सारे RRC में इनका हाल सही नहीं रहा है, एज पर या तो उन्होंने दिखा के दिया या कैलकुलेशन गलत किया किसी कारण से, या कम्युनिटी शिफ्टिंग के कारण से, किसी कारण से उनको दिखने के बाद फिर सही किसी को भी नहीं लगता, कोई भी कम्युनिटी के कैंडिडेट हो। लेकिन अब यहाँ पे अपडेट ये है कि ST और EWS का कटअप नेक टू नेक इक्वल हो चुका है, ये भी एक अपडेट है। और कटअप कितना डिक्रीज हुआ सबका, वो भी बात करेंगे। थोड़ा देर है वीडियो बनाने में, लेकिन देर है लेकिन डाटा आपको देर से नहीं मिलेगी। डाटा की ओरिजिनलिटी अभी तक बनाए रखा है, वो बनाए ही रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि कैंडिडेट को ओरिजिनल चीज़ें मिले। तो यहाँ पे फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ओपन करेंगे, उसके बाद अपनी PDM के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फोर्थ DB में दो ही अपडेट है, तीन मोटा मोटा अपडेट है। पहला अपडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 फरवरी से लेके 21 फरवरी के बीच में होगा। दूसरा अपडेट है कि 692 और 86 PWD और 692 नॉन PWD कैंडिडेट का फोर्थ DB में नाम लिया गया है। और तीसरा अपडेट है कि सबका कटअप ए है, UR का 63.63, AC का 55.63, ST का 54.07156। और ये 5 डिजिट तक की इसलिए पढ़ रहे हैं कि EWS में भी मुझे यही पढ़ना है, तो आप समझ लीजिए ST कटअप बराबर EWS कटअप अभी फिलहाल आ चुका है। उसके बाद OBC के कटअप है 63 पॉइंट कुछ है, PWD LD का कटअप 51 है और PWD VI के लिए 55 कटअप है। यानी अगर PWD में कहें तो 55 कटअप, इसको अगर देखेंगे VI के लिए, उनका कटअप अभी EWS से और ST कम्युनिटी से ज़्यादा है। यानी PWD कैंडिडेट वैसे होते हैं जिसको दिव्यांग बोलते हैं, उनका कटअप नॉर्मल कैंडिडेट से अभी भी ज़्यादा है। थोड़ा सोचने के विषय है, थोड़ा इनका कम होता तो सहानुभूति भी होता है अभ्यर्थियों के लिए। बाकी ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट के रूल से हिसाब से वो चलते हैं। बाकी इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ब्लॉक डेट आपका दिया हुआ है 26/2 का, ये देख लीजिए। अब इतना से मन तो भरेगा नहीं, कैंडिडेट का कमेंट आएगा कि पिछला अगला DBV कब आएगी, कितना सीट और बचा है, अभी और DB आ सकता है क्या, अभी क्या कंडीशन है, एनालिसिस बताइए। तो देखिए यहाँ पे कटअप की बात करेंगे तो कटअप अभी तक हमने, एक मिनट, यहाँ तक आएंगे कटअप वाले पेज तक। हाँ, तो पहले ओरिजिनल जो DB का कटअप गया था ना, वो गया था 67.28 UR का, 56 AC का, ST का 55, 64 EWS का और 58 गया था EWS का, और 64 गया था OBC का, सॉरी OBC का EWS से पहले मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पे एक डाटा में देखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर देखते हैं एग्जैक्ट में, तो एक डाटा आपको यहाँ पे सब अभी थर्ड DB तक आते आते सारा चीज़ें मिलते जाएगा कि थर्ड DB तक आपको कटअप का हिसाब किताब यहाँ तक 65 सेकंड में, फिर इसके बाद थर्ड DB में कितना कम हुआ था और फाइनली जो अभी हुआ उसका हिसाब किताब आपके पास सामने रखते हैं। तो यहाँ सामने रखेंगे तो 54 और 54 2 तो आपको देखना नहीं है, याद हो ही गया होगा आपको, आपका दो कम्युनिटी का कटअप बराबर है आपका, ये दोनों ST EWS का। OBC का 63 आ गया, 55 और 63। अभी तक फर्स्ट DB से लेके चौथे DB तक जो कटअप कम हुआ है UR के लिए बाहर है 3.6436, AC के लिए 0.9647। आपका यहाँ पे अगर कहेंगे ST के लिए 0.98 कुछ, OBC के लिए 0.89, यानी सबका कटअप एक नंबर से कम है। उसके बाद आपका 4.7949 के आसपास कटअप EWS का कम हुआ और 3.8 हुआ, यानी इस वैकेंसी में आ गए हैं तो कटअप में कम होने वाले दोनों फर्स्ट और लास्ट हैं EWS और UR का। और ये कटअप फैक्ट है कि यहाँ पे कैंडिडेट का डेंसिटी अच्छा रहता है इसलिए, और यहाँ पे हाई कटअप रहता है तो कटअप कम होता है UR का इसलिए, और यहाँ पे
ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट कम अप्लाई किए हैं तो कैंडिडेट की डेंसिटी कम रहता है, अगर 150 200 भी कॉल कर लिए तो वो बहुत कटअप तेज़ी से नीचे आता है, दोनों फैक्ट है। बाकी ओबीसी में अगर 0.1 तक आ गया तो मैंने लोगों को बोला था एक नंबर तक कटअप कम होगा, तो बोला WR तो देगा ही नहीं। हालांकि SWR अभी भी बहुत पीछे है, ER अभी भी पीछे है और BRRP अभी पीछे हैं, लेकिन इन दोनों तो एकदम सेकंड डीवी का नाम ही नहीं है। अब यहाँ पे सीट का कैलकुलेशन करना है, तो मैंने शुरू में सीट कैलकुलेट के बोला था कि करीब करीब 12-12.5 जितनी वैकेंसी है ना उसका 10% तो आपको लेगा ही लेगा सेकंड डीवी में। तो ओपन वैकेंसी लगभग 9400 कुछ था, टोटल वैकेंसी ज़्यादा थी तो 94 वो करीब 1100-1100 का मैंने बात किया था। देखिए 1000 इतना है तो 1100 के आसपास मैंने बात किया था, उससे ज़्यादा आ चुका है डीबी में। तो सेकंड डीबी में भी कैंडिडेट को लिया गया था, एक मिनट मैं ले लेता हूँ डाटा, एक मिनट यहाँ है इस पेज पर होगा यहाँ पे। तो यहाँ तक सेकंड डीबी में 600, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते थोड़ा, सेकंड डीबी में 63 कैंडिडेट को लिया गया था, और अभी जो आपका डीबी आया है उसमें भी देखेंगे उसमें के बाद 751 कुछ ऐसे पोस्ट बचे हुए थे, लेकिन अभी डीबी आया है तो उससे पार करके लिया है कैंडिडेटों को। कहाँ गया जी, एक मिनट मेरा ही सीट मुझे ही नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ ये पेज ब्रेकअप हो गया ना इसलिए इधर से उधर हो गया। सात सौ इक्यावन सीट बचा हुआ था और जो लिया है यहाँ से, हाँ 4 DB में 778 जो आपका 692 प्लस 86 दोनों देख के 778, यानी पहले और डीबी दोनों ये 540 700 का मिलाइएगा तो करीब करीब 1300 प्लस हो जाता है, और जो अनुमान था कि 1000 के आसपास 1200-1100 लेगा उससे आगे ले लिया। तो अब सवाल आपके मन में आएगा कि ये लास्ट है क्या, तो नहीं अभी रुकिए नहीं, ये अंतिम नहीं है, अभी भी आगे आएगी। वो अभी 4 DB आई है तो 5th DB आएगा और करीब करीब 6th DB आएगा, क्योंकि अभी छोटे मोटे प्रोसेस बचेंगे, अभी रिप्लेसमेंट के नाम से भी कुछ आना है, कुछ ना कुछ आएगा। कटअप देखिए जितना कैंडिडेट जिस कम्युनिटी को बुलाएगा उतना ही कम होगा। अब UR का कटअप आपने देख ही लिया है कि लगभग एक मिनट, UR का कटअप आपने देख ही लिया है, मैंने दिखा दिया था आपको, एक मिनट कहाँ गए, यहाँ से UR का कटअप अभी जो आया है यहाँ का वो आ चुका है 63 पॉइंट आसपास, 63.366, और OBC का इतना है, यानी UR में जो कैंडिडेट है ख़त्म हो चुके हैं। अनुमान आप लगा सकते हैं कि जब OBC का कटअप यहाँ है तो UR का कटअप लगभग 4 DB के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि UR का ओरिजिनल कटअप की बात करेंगे तो OBC के जो UR का कटअप यहाँ पे कितना था, जब गया था CBT के मार्क्स के बाद जब वो गए थे PT के लिए तो वो करीब करीब 62 के आसपास था, 62.68, और अभी 67 है तो 62 के आसपास थे तो ये 63 आ गए हैं, तो बहुत होंगे तो बहुत थोड़े कैंडिडेट होंगे UR में। और OBC का 63.98 था DB के बाद, तो 63.98 के से UR का कटअप नीचे आ गया है, यानी PT क्वालिफाई कैंडिडेट लगभग UR में ख़त्म हो चुके हैं। तो अब ज़्यादा आएगा तो OBC का ज़्यादा आएगा, EWS का तो बचा होगा तो आएगा, अभी होंगे ही कैंडिडेट, और बाकी कम्युनिटी का ज़्यादा आएगा क्योंकि UR का 4 DB के बाद लगभग मामला समाप्त है। अब कुछ कैंडिडेट होंगे तो ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो जनरल बात होती है वो ख़त्म हो गई। थैंक यू, धन्यवाद।